कंडीशन आर वर्क पैक करने में, तो बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम कमीशन आर वर्क कैसे पैक कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है, ये सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएंगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप किसी दुकान में शॉप में परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो आपको दे देंगे। जो कि चीज़ है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिया है, मैंने दो पीसेस कार्ड कर लिए। तो कैसे करने मैं आपको बताता हूँ, करना है। तो अभी हमारा सिंपली हमें ऐसा कट हुआ तो चलेगा, आधा शेप टू शेप नहीं कट करना। तो अभी हमारा आर्ट वर्क है, हमें सिंपली इस पे प्लेस करना है, और आर्ट वर्क के ही साइज में एक पेपर हमें ले लेना है और इधर स्टिक कर देना। अभी इधर हम टेप लगाएंगे, टेप में छोटी वाली यूज़ करें, क्योंकि अगर बड़ी हुई तो एक कुछ बार हमारा आर्ट वर्क होता है उस पर टेप लग जाएगी तो बहुत ही दिक्कत हमें आ सकती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब भी कर देना मत भूलिए। तो अभी हमें सिंपली ऐसे चार पीसेस कट कर रहे हैं। जल्दी कट करने के लिए आप टेबल का सहारा ले सकते हैं, जिसे मैं ले रहा हूँ। तो देखो मैंने चार पीसेस कट कर लिए, छोटे से ही करे। अभी हम इसे पेपर को ठीक से चिटका दें। आर्ट वर्क को टेप नहीं लगना चाहिए, मैं मास्किंग टेप नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सेलो टेप यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखें। आप चाहे तो कॉटन टेप भी यूज़ कर सकते हैं, या डॉक्टर टेप मत यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही स्टिकी होती है, उससे पेपर निकालते वक्त पेपर फट जा सकता है। और अगर आपको बहुत ही हार्ड वर्क है कमीशन आर्ट वर्क पैक करने में, मतलब ड्राइंग करने में, वो आर्ट वर्क करने में बहुत ही ये आ रहा है, तो आप इस पर फेल ना जाए इसलिए फिक्सिविटी स्प्रे जरूर बाय करना और उसे लगाना है। तो अमेजॉन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिक्सिविटी स्प्रे की। अभी हमें दूसरा पीस भी इसे इसी तरह चिटकाना है, इसका इसी से मैं निकाल देता हूँ। अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हमें ठीक से इधर से ही ध्यान रखें कि हमारा कमीशन आर्ट वर्क है, जो कि बिल्कुल टूट ना जाए, फट ना जाए। तो देखो मैं इतना ही पार्ट ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो टेप लगाते वक्त हमें दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे मैं बड़ी वाली टेप यूज़ कर रहा हूँ। तो हम जल्दी से लगा देते, हमें चारों साइड ये करना है, मतलब 1 2 3 4 हमें चारों साइड टेप करना है। अच्छे से करो, इसे लगाते वक्त बिल्कुल जल्दबाजी मत करें और टेप लगाते वक्त कंजूसी ना करें। अगर आपने इधर कंजूसी की तो आपको आगे कुरियर में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कुरियर में बहुत ही स्केचेस फट जाते हैं। और इससे अगर आपको और प्रोटेक्ट करना है, बहुत ही हार्डवर्क के स्केच है तो इसे बेंड ना होने देना है, तो आप इसे कर सकते हैं, जो कि एनवलप है उसमें भी डाल सकते हैं और इस पॉलीथीन की बैग पर भी डाल सकते हैं। ये सिंपल कमीशन हार्डवर्क था, मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, इसलिए अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, चारों साइड टेपिंग कर देता हूँ। तो अभी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो कि कमीशन आर्टवर्क है वो पैक हो चुका है, बहुत ही लाइट वेट लुक आ रही है इसकी, और लुक भी ख़राब नहीं होगा अगर आपका कमीशन बिल्कुल। अगर ये तो मैं ट्रैवल करके ले जा रहा हूँ, अगर आपको कुरियर करना है तो आप यही कमीशन आर्टवर्क को पॉलीथीन के बैग में या फोल्डर मिलते हैं, 2 रुपीज़ का रेट होता है, तो उसमें पैक करके भी आप ले जा सकते हो। तो बहुत ही, और मैं इसे एनवलप में डालूंगा अभी,
और मेरे पास एक बड़ा आर्टवर्क भी था, इसे भी मैंने इस तरह से ही ये किया हाइबर इलास्टिक ड्रॉइंग थी। तो ये दोनों मैं इसकी वीडियो बनाइए, देख लेना। बाय।